क्वेश्चन 21 देखिए क्या कह रहा है। टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। आप समझें कि आपको दो नंबर्स दे रखे हैं इन द रेशो 2:3 और उनका एलसीएम 180 है। जब नंबर्स हमें आपके रेशो में दे रखे हों तो उनके साथ हमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेरिएबल मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें नंबर्स मिल जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमारे पास हो जाएगा रेशो है 2x और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3x। अब अगर मैं 2x के फैक्टर करूं तो वो होंगे 2 into x, 3x के फैक्टर करूं तो वो होंगे 3 into x। मैं यहां पर इनका एलसीएम निकालता हूं बाई फैक्टराइजेशन, जो कॉमन टर्म है वो तो एक बार और बाकी के टर्म्स को आपको सबको लिखना है। यानी यहां से इसका जो एलसीएम है वो 6x आ गया। ऐसे ही तो निकालते हैं हम एलसीएम कि जो कॉमन है उसको एक बार और मतलब लोएस्ट पावर लेनी होती है 2 that is 3। तो कॉमन है वो एक बार, बाकी सबको मल्टीप्लाई में लिखना है। बट एलसीएम उसने भी दे रखा है दैट इज 180 हमने निकाला है और उसने भी दे रखा है तो दोनों बराबर होंगे। सो 6x इज इक्वल टू 180 तो यहां से x आ गया दैट इज 30। x यदि 30 आ गया तो पहला नंबर तो हो गया 60 और दूसरा नंबर हो गया 90। अब इन दोनों का HCF हमें निकालना है। अगर हम 60 के फैक्टर्स करेंगे तो 60 के फैक्टर्स आएंगे 2 into 2 into 3 into 5 और 90 के करेंगे तो वो होंगे 2 into 3 into 3 into 5। ठीक है, अब HCF हम निकाल रहे हैं किसका, 30 और 90 का, तो वो क्या होगा जरा देखिए, कॉमन पार्ट देख लें, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है। सो 2 into 3 into 5 यानी कि 30। तो इन का जो HCF है वो क्या आ जाएगा, वो 30 यहां पर आ जाएगा। तो सिंपली इस मेथड से आपको प्रोसीड करना है और फिर क्वेश्चन को आप कर पाएंगे।